तो अब हम बात करने वाले थगेश एंड अदनान 07 के बारे में। इनके दोनों के बीच में एक कंट्रोवर्सी हुआ है। तो क्या हुआ गाइस, थगेश ने अपने एक वीडियो में अदनान 07 का रील पे रोस्ट किया था। तो सबसे पहले वो रील आप देख लीजिए। गरुड़ा को मारने के लिए एक रॉकी पैदा किया, तो इस रॉकी को मारने के लिए एक और रॉकी पैदा नहीं कर सकते क्या? मेरे बाप से ही नहीं हुआ तो मेरे बाप की कसम किसी से भी नहीं होगी। ये लास्ट में ऐसा क्यों चल रहा था? ये क्या है भाई, ये क्या है भाई? और एक तो मेरे को समझ नहीं रहा है, ये पहले एंगल में यहाँ पे चश्मा रखा है, जब ये दूसरी तरफ मुड़ा चश्मा गायब हो गया, और जब ये वॉक करने लगा तो कुछ अलग ही चश्मा आ गया। ये कोई ईस्टर एग्स है क्या छपरी वर्ष का, जो हम मगलू समझ नहीं पा रहे? कोई बात नहीं, होता होगा ऐसा, एक डायलॉग एक दिन में बोलते तो ऐसा पूरा रील शूट करने में 3-4 दिन लगता होगा, तो हो जाता है कंटिन्यूटी एरर। उसके बाद थगेश ने एक ट्वीट करके बताया कि वोक अप एट 2:30 इन द मॉर्निंग विद इंस्टाग्राम रीलर एक्स टिकटॉकर कॉलिंग मी एंड अब्यूजिंग मी फॉर पॉइंटिंग आउट दिस कॉन्टिन्यूटी एरर इन माय लेटेस्ट वीडियो, आल्सो आस्किंग मी फॉर ए फाइट। प्यार से बोल देते तो पोषण काट देता था, बट मगर पीटने की धमकी। फिर वो इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट करके ये कहे, नाम में 07 डालने से बॉन्ड नहीं बनता छोटे, हुई तेरी हाइप डेट तो आ गया मेरे पास ना। फिर वो अदनान 07 का इंस्टाग्राम अकाउंट शेयर करके ये कहे, शायद इसके डीलर ने बताया नहीं, फेक फॉलोअर्स डालने से व्यूज नहीं आते। आप देख सकते हैं उनके फॉलोअर्स 11 मिलियन है, लेकिन उनके इंस्टाग्राम रील पे सिर्फ 294 के व्यूज है। फिर इसके बाद अदनान 07 भी रिप्लाई किए, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में ये कहा, बिना मेरे नाम लिए इनके घर में चूल्हा नहीं जलता, सिर्फ कैमरा में मत बजो। फिर इस पे लक्ष्य चौधरी भी रिप्लाई करके अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में ये कहा, कॉलिंग यूट्यूबर्स एंड अब्यूजिंग देम जस्ट बिकॉज दे मेड ए हेल्दी रोस्ट वीडियो, पता नहीं तेरी गर्मी 2020 में किसने निकाली थी, आज तक जनता तुम्हें गाली बकती है, और महेश इससे क्या ही लड़ लेगा, जितनी तेरी हाइट है तू उसके एल तक आ जाएगा। फिर उसके बाद लक्ष्य चौधरी ने उनका एक वीडियो डाला था जिसपे अदनान 07 को मार रहे थे, आप देख सकते हैं। फिर उन्होंने नेक्स्ट स्टोरीज में ये कहा, महेश छोड़ ब्रो, लेट्स नॉट फाइट, अदनान को अपनी 5th हैंड रेंज रोवर की EMI देनी है और एंगेजमेंट 0 हो चुकी है, इसलिए थोड़ी हाइप मांग रहा है, इसमें तो बुराई क्या है, हम आज उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो कब करेंगे, मैं नहीं चाहता वापिस इसके अब्बू नगर पालिका में जाके कूड़ा उठाए। फिर अदनान ने इन दोनों पे रिएक्ट करके ये कहा, वीडियो में कैमरे के सामने नामर्द बनने वालों आओ तो फेस टू फेस। तो यार यही था पूरा कॉन्ट्रोवर्सी, तो यार आपका क्या कहना इसके बारे में, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।